नमस्कार, आप सभी को जय जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चर्चा का विषय है बिल्व पत्र। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र को चढ़ाने से मनुष्य की हर कामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी इच्छाएं शांत होती हैं और भगवान शिव मनचाहा फल प्रदान करते हैं। आपने अभी तक केवल मात्र एक ही पत्र को बेल पत्र समझ रखा है। जो बेल का वास्तविक पत्र है वही आप जानते हैं, लेकिन इसी प्रकार से 8 प्रकार के बेल पत्र होते हैं। ये 8 प्रकार के बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। हैं तो ये पत्र ही, लेकिन इनको अष्ट बिल्व की संज्ञा दी गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि यह 8 प्रकार के बिल्व पत्र कौन कौन से हैं। तुलसी बिल्व निरगुंडी अपामार्गी कपित्थ की, शमी यामल की दुर्वा अष्टौ बिल्वान प्रकीर्तयेत। तुलसी, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है। शिव पुराण में स्पष्टतः हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि भगवान शिव को जो व्यक्ति तुलसी पत्र चढ़ाता है उसके 21 पीढ़ियों को भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। लोक प्रचलन में है कि भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भगवान विष्णु की पत्नी है इत्यादि इत्यादि। परंतु हमने शिव पुराण में स्वतः ही पाया है कि भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, और यहां भी उल्लेख है तुलसी बिल्व निरगुंडी। तुलसी के पश्चात आता है बिल्व पत्र। लक्ष्मी स्तनत उत्पन्न भगवान विष्णु की प्रिया मां भगवती लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न जो बिल्व पत्र है, जो आम भाषा में बिल्व पत्र कहा जाता है, यह बिल्व पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात निरगुंडी, यह जो निरगुंडी है यह भी इसके पत्ते भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यह भी बिल्व पत्र की संज्ञा में आती है। अपामार्ग, अपामार्ग जिसे ग्रामीण भाषा में चिरचिरा कहते हैं, यह बुध की अधिकृत संविधा है, इसके द्वारा बुध का हवन किया जाता है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यह भी अष्ट बिल्व की संज्ञा में आती है। कपित्थ की अर्थात कपित्थ, यह एक कठोर फल होता है जिसके अंदर बेल की तरह नरम पदार्थ पाया जाता है, जो कच्चेपन में खट्टा होता है और जब पक जाता है तो एक खटास पूर्वक मधुरता इसके अंदर बनी रहती है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसे कैथ या कैथा का फल कहते हैं। इसके पश्चात आता है शमी पत्र, भगवान शिव को शमी पत्र। हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको बतलाया है कि भगवान शिव को जो शमी पत्र चढ़ाता है या अथवा शमी का पुष्प चढ़ाता है उसके सारे ग्रह दोष भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आंवले का पत्र अर्थात आमल की, आंवले का पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यह भी पत्र भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात अंतिम में आता है दुर्वा। दुर्वा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, बहुत पसंद है, भगवान शिव को दुर्वा भी चढ़ाना चाहिए। दुर्वा को चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय है, मन में शंका है, जैसे कि तुलसी पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है अथवा नहीं चढ़ाया जाता है इस विषय पर या अन्य किसी विषय पर, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम यथाशक्ति आपके संशयों का निवारण करेंगे। चलिए, आपको जय जय सियाराम।